यशुआ और उसका 21वां बाब जो 45 आयात पर मुश्तमिल है। तब लावियों के आबाई खानदानों के सरदार अलीअज़र काहिन और नून के बेटे यशुआ और बनी इसराइल के कबीलों के आबाई खानदानों के सरदारों के पास आए और मुल्क कनान के सैला में उनसे कहने लगे कि खुदावंद ने मूसा की मार्फत हमारे रहने के लिए शहर और हमारे चौपायों के लिए उनकी नवाही के देने का हुक्म किया था। सो बनी इसराइल ने अपनी अपनी मीरास में से खुदावंद के हुक्म के मुताबिक ये शहर और इनकी नवाही लावियों को दी और कुरा कहातियों के घरानों के नाम पर निकला। और हारून काहिन की औलाद को जो लावियों में से थी, कुरे से यहूदा के कबीले और शिमाउन के कबीले और बिन्यामीन के कबीले में से 13 शहर मिले। और बाकी बनी कहात को इफ्राइम के कबीले के घरानों और दान के कबीले और मनसी के आधे कबीले में से 10 शहर कुरा से मिले। और बनी जैरसूम को इश्कार के कबीले के घरानों और आशिर के कबीले और नफ्ताली के कबीले और मनसी के आधे कबीले में से जो बसन में है, 13 शहर कुरा से मिले। और बनी मरारी को उनके घरानों के मुताबिक रूबिन के कबीले और जद के कबीले और जबूलून के कबीले में से 12 शहर मिले। और बनी इसराइल ने कुरा डालकर इन शहरों और इनकी नवाही को जैसा खुदावंद ने मूसा की मार्फत फरमाया था लावियों को दिया। उन्होंने बनी यहूदा के कबीले और बनी शिमोन के कबीले में से ये शहर दिए जिनके नाम यहाँ मजकूर हैं। और ये कहातियों के खानदानों में से जो लावी की नस्ल में से थे बनी हारून को मिले, क्योंकि पहला कुरा उनके नाम का था। सो उन्होंने यहूदा के कोहिस्तानी मुल्क में अनाक के बाप अरबा का शहर करीत अरबा, जो हबरून कहलाता है, माँ उसकी नवाही के उनको दिया। लेकिन उस शहर के खेतों और गाँव को उन्होंने युफना के बेटे कालिब को मीरास के तौर पर दिया। सो उन्होंने हारून काहिन की औलाद को हबरून, जो खूनी की पनाह का शहर था, और उसकी नवाही और लिबना और उसकी नवाही और यतीर और उसकी नवाही और इस्तमो और उसकी नवाही और होलून और उसकी नवाही और दबीर और उसकी नवाही और ऐन और उसकी नवाही और यूता और उसकी नवाही और बैत शम्स और उसकी नवाही, यानी ये 9 शहर उन दोनों कबीलों से लेकर दिए। और बिन्यामीन के कबीले से जिबोन और उसकी नवाही और जिबा और उसकी नवाही और अंतूत और उसकी नवाही और अलमून और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए गए। सो बनी हारून के जो काहिन हैं सब शहर 13 थे जिनके साथ उनकी नवाही भी थी। और बनी कहात के घरानों को जो लावी थे, यानी बाकी बनी कहात को इफ्राइम के कबीले से ये शहर कुरा से मिले। और उन्होंने इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में उनको सिकम शहर और उसकी नवाही तो खूनी की पनाह के लिए और जजर और उसकी नवाही और कब्जीम और उसकी नवाही और बैत होरून और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए। और दान के कबीले से इल्तिकिया और उसकी नवाही और जिबतून और उसकी नवाही और अयालून और उसकी नवाही और जात रिमून और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए। और मनसी के आधे कबीले से तानाक और उसकी नवाही और जात रिमून और उसकी नवाही, ये 2 शहर दिए। बाकी बनी कहात के घरानों के सब शहर अपनी अपनी नवाही समेत 10 थे। और बनी जैरसून को जो लावियों के घरानों में से हैं, मनसी के दूसरे आधे कबीले में से, उन्होंने बसन में जोलान और उसकी नवाही तो खूनी की पनाह के लिए और बिसतरा और उसकी नवाही, ये 2 शहर दिए। और इश्कार के कबीले से किसून और उसकी नवाही और दबरत और उसकी नवाही, यरमूत और उसकी नवाही और ऐन जनीम और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए। और आशिर के कबीले से मसाल और उसकी नवाही और अब्दून और उसकी नवाही और खिलकत और उसकी नवाही और रहूब और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए। और नफ्ताली के कबीले से जलील में कादिस और उसकी नवाही तो खूनी की पनाह के लिए और हमात दौर और उसकी नवाही और करतान और उसकी नवाही, ये 3 शहर दिए। 100 जैर सूनियों के घरानों के मुताबिक उनके सब शहर अपनी अपनी नवाही समेत 13 थे। और बनी मिरारी के घरानों को जो बाकी लावी थे, जबुलून के कबीले से यकनियाम और उसकी नवाही, करता और उसकी नवाही, दिमना और उसकी नवाही, नहलाल और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए। और रूबिन के कबीले से बसर और उसकी नवाही,
यहसा और उसकी नवाही, कदीमात और उसकी नवाही, और मफत और उसकी नवाही, ये चार शहर दिए। और जद के कबीले से जिलाद में रामा और उसकी नवाही तो खूनी की पनाह के लिए, और महानीम और उसकी नवाही, हसबून और उसकी नवाही, यजीर और उसकी नवाही, कुल चार शहर दिए। सो ये सब शहर उनके घरानों के मुताबिक बनी मरारी के थे। जो लावियों के घरानों के बाकी लोग थे उनको कुरे से 12 शहर मिले। बस बनी इसराइल की मिल्कियत के दरमियान लावियों के सब शहर अपनी अपनी नवाही समेत 48 थे। उन शहरों में से हर एक शहर अपने गिर्द की नवाही समेत था। सब शहर ऐसे ही थे। यूं खुदावंद ने इसराइलियों को वो सारा मुल्क दिया जिसे उनके बाप दादा को देने की कसम उसने खाई थी, और वह उस पर काबिज होकर उसमें बस गए। और खुदावंद ने उन सब बातों के मुताबिक जिनकी कसम उसने उनके बाप दादा से खाई थी चारों तरफ से उनको आराम दिया, और उनके सब दुश्मनों में से एक आदमी भी उनके सामने खड़ा ना रहा। खुदावंद ने उनके सब दुश्मनों को उनके कब्जे में कर दिया। और जितनी अच्छी बातें खुदावंद ने इसराइल के घराने से कही थीं, उनमें से एक भी ना छूटी, सब की सब पूरी हुईं।